ईस्वी सन 973 तेलपा और राष्ट्रकूट इनके बीच एक घनासान युद्ध हुआ। यहाँ पे राष्ट्रकूट हार गए और तलायपा जीत गया। उन्होंने अपनी राजधानी की स्थापना कल्याण में की। कल्याण चालुक्यों के तेलपा द्वितीय के शासनकाल के दौरान नाल राज द्वारा कल्याण किले की निर्मिति 973 में की गई। किले के शिलालेख इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। बसवो कल्याण किला, जिसे कल्याण किले के नाम से भी जाना जाता है, यह कर्नाटक के बिदर जिले में स्थित है। इस किले के एंट्रेंस के लिए आपको यहां से टिकट खरीदना होगा। जैसे कि ये फोर्ट अभी जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया इनके अंतर्गत है। ईस्वी सन 1050 से 1195 तक कल्याण यह पश्चिमी चालुक्य यानी कल्याणी चालुक्य राजवंश की शाही राजधानी थी। सोमेश्वर प्रथम ने कल्याण को अपनी राजधानी घोषित कर बादामी चालुक्य के साथ अंतर करने के लिए कल्याणी चालुक्य के रूप में मान्यता प्राप्त कर। चालुक्य वंश के सोमेश्वर प्रथम के बाद सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य छठे, सोमेश्वर तृतीय, जगदेका मल्ल और तेलपा तृतीय का शासन था। 10वीं व 12वीं शताब्दी के दौरान इस राजवंश ने भारत के लगभग आधे हिस्से पे नियंत्रण किया। चालुक्य के बाद जो शासक थे इन्होंने ये नवीनीकरण किया है। बाद के शासक जैसे कलचुरी वंश, यादव वंश, मोहम्मद बिन तुगलक, बहमनी सुल्तान, बिदर सुल्तान, अहमदनगर सुल्तान, विजयनगर साम्राज्य, मुगल और निजाम ने इस किले पे नियंत्रण किया और इसका नवीनीकरण भी किया। किले को राजनीतिक रूप से एक रक्षा संरचन के रूप में एक छलावरण स्थापना में बनाया गया है, जो जब तक दुश्मन नजदीक नहीं आता ये दिखाई नहीं देता है। किले के चारों ओर खंदक बनाया गया है जहाँ पे पानी और मगरमच्छ हुआ करती थी, जो करके दुश्मन आसानी से किले तक ना पहुंचे। यह है किले का मुख्य दरवाजा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह पूरा दरवाजा जो है लोहे से यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन पुराने काल में ये जो है लकड़ी का बनाया गया था। जो यहाँ पे आप गोलाकार पत्थर यहाँ पे जो देख रहे हैं, यह एक डिफेंसिव और अटैक के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता था। दुश्मन के अटैक के बाद इस गोलों को दुश्मन के ऊपर फेंका जाता था और मार दिया जाता था। जैसे ही आप दरवाजे से बाहर आते हो तो इस प्रकार से आपका यह दृश्य दिखाई देता है। बड़े बड़े बुरुज, यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ आपको दिखाई देगी। यहाँ पे भगवान महावीर की मूर्ति, यहाँ पे एक हॉर्स की मूर्ति है। यहाँ से पता चल जाता है कि यह फोर्ट कला के लिए भी प्रसिद्ध था। मुख्य द्वार पार करने के बाद आपको यहाँ पे जेल दिखाई देगा। कुल मिला के 5 जेल यहाँ पे बनाए गए हैं। अगर कोई कैदी हो तो इस जेल में यहाँ पे रखा जाता था। सामने ये गोलाकार जो पत्थर दिख रहे हैं, इन्हें इन बुरुज के ऊपर से दुश्मन के ऊपर फेंका जाता था और उन्हें मार दिया जाता था। बुरुज के ऊपर एक आउटलेट दिए गए हैं जहाँ से गर्म तेल दुश्मन के ऊपर फेंका जाता था। यहाँ पे दुश्मन के ऊपर तीनों ओर से हमला करने का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। इसकी दीवारें मजबूत है, दोनों ओर से बुरुज और बीच में ये दरवाजा जो लगभग बिल्कुल दिखाई नहीं देता है शुरुआत में। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो है इन तीनों बुर्जों के बीच में आना होता है। दरवाजे के सामने ठीक यहाँ पे शिल्पकला की कुछ स्ट्रक्चर है। दरवाजे के ऊपर ये आउटलेट है जहाँ से गर्म तेल फेंका जाता था। दरवाजे का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे दोनों ओर सैन्य को बैठने के लिए जगह है जहाँ पे सैनिक रुक सकते थे और हमले को
यहाँ पे प्रतिबंधित किया जाता था। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह वह जगह है, बिल्कुल इसे आप ट्रैप कह सकते हैं। दरवाजों के बाद ये जो सामने ये आपको गेट दिखाई देता है, इस गेट से अंदर आपको जाना है। लेकिन अगर दुश्मन यहाँ पे एंट्रेंस करता है तो यहाँ पे वो बुरी तरह से फंस जाता है, क्योंकि चारों ओर से यहाँ पे घेराव है, दो बुरुज, तीसरा बुरुज, और यहाँ से जैसे एंट्रेंस होता है तो दुश्मन के ऊपर यहाँ से अटैक किया जाता है। यहाँ पर जाने के लिए दोनों ओर से यहाँ पे स्टेप्स बने हुए हैं, आप देख सकते हो दोनों तरफ से यहाँ पे स्टेप्स बने हैं। और यहाँ की जो दीवार है, यहाँ पे एक सुंदर शिल्पकला यहाँ पे कोरी गई है। चलिए दोस्तों तो हम आगे बढ़ते हैं इस फोर्ट के अंदर से। लेकिन आप देख सकते हो अगर कोई एंट्रेंस करना चाहता है तो यहाँ से अटैक करने के लिए ये फोर्ट बनाया गया है, पूरी तरीके से ये अटैक करने के लिए फोर्ट बनाया गया है। ये दरवाजे के पास सामने दूसरा दरवाज़ा है, यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर बनाया गया है। देखिए मतलब हर एक दरवाज़ा और एक बीच में पैसेज जहाँ पर दुश्मनों को चारों ओर से घेर के मारा जाता था। बसो कल्याण किले में एक आर्थिक उपाय के रूप में किले को मजबूत रक्षा के लिए दीवारों को पहाड़ियों पर बिखरे पड़े पत्थरों के आपस में जोड़कर बनाई गई है, और साथ ही साथ यहाँ पे सैन्य जो स्थल है यहाँ पे बनाए गए हैं, जो करके दुश्मन के ऊपर वो हावी हो सके। पूरी तरीके से ये छलावरण में ये बनाया गया ये किला है। जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ बारूद खाना दिखाई देता है। बारूद खाना उस समय के लिए किले के ऊपर जो फ्रंट गेट से लेके यहाँ तक पूरा जो बारूद यहाँ से सप्लाई किया जाता था। यहाँ पे ऊपर जाने के लिए रास्ता है। ऊपर आने के बाद यहाँ पे हमें कुछ सैन्य रेस्ट रूम दिखाई देते हैं, जहाँ पे सैन्य और आर्मरर यहाँ पे रुका करते थे। और यहाँ पे ये जो बारूद खाना है, यहाँ पे पूरा बारूद यहाँ पे रखा जाता था। ये किले का टॉवर है, यहाँ से एंट्रेंस से यहाँ तक लेके और सामने फोर्ट के ऊपर नज़र रखी जाती थी। यह है घोड़े का तबेला, यहाँ पे घोड़ों की मरम्मत और देखभाल की जाती है। जैसे कि ये फोर्ट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, तो यहाँ पे मरम्मत की काम की जाती है और साथ साथ साफ सफाई भी की जाती है। यहाँ पर चक्की है जो पीसने के काम आती थी, अलग अलग प्रकार के धान्य यहाँ पे पीसने के लिए उपयोग किए जाते थे। चलिए तो हम चलते हैं फोर्ट की ओर। लेकिन इस फोर्ट की कलाकृति आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही उत्कृष्ट है, मनमोहक है। यह रास्ता पहले कभी म्यूजियम अंदर होता था, वहाँ पे जाता था, लेकिन अभी म्यूजियम बाहर की ओर है, जहाँ पे हमने टिकट खरीदा है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, बड़े बड़े बुरुज और बड़ी दीवार यहाँ पे खड़ी। लेकिन यह जो रास्ता गेट के ओर जाता है, दूसरे डोर की ओर, ये डोर यहाँ से दिखाई नहीं देता है। अगर कभी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दरवाज़ा तोड़ने के बाद दुश्मन यहाँ पे पहुँचते हैं तो उन्हें ख़त्म करने के लिए ये जो पैसेज है ये बहुत काम आता था, क्योंकि ये नैरो पैसेज है और दोनों तरफ से यहाँ पे हमला किया जाता था। आप देख सकते हो ये पूरा जो है किस प्रकार यहाँ पे ट्रायंगल के रूप में इसे बनाया गया है। ये छिपा हुआ दरवाज़ा है जो बाहर से दिखाई नहीं देता है, ऊपर की ओर खुला है, जहाँ से दुश्मन के ऊपर आक्रमण किया जा सकता था। तो चलिए हम मेन जो किला है उसके अंदर एंट्रेंस करते हैं। जैसे हम एंट्रेंस करते हैं तो दोनों ओर सैन्य गृह है, यहाँ पे सैन्य बैठने के लिए जगह है। इस किले की अगर खासियत देखते हैं तो दरवाज़ा और बुरुज और उसी के साथ इंटरकनेक्टेड सैन्य रूम्स है, सैन्य के लिए विश्राम गृह है। चलिए तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको ठीक सामने जो है राजमहल दिखाई देता है, और उसके लेफ्ट साइड में जो है ये कड़क बिजली नामक तोप की ओर ये रास्ता जाता है।
यह बीच में बरामदा है, आगे सामने राजमहल और उसके हमारे राइट साइड में जो है यह रास्ता जाता है तालीम खाना। हम सबसे पहले जाएंगे राजमहल। ये भीतर जाता है रास्ता राजमहल की ओर। इसे कोठी कहा जाता है। इसमें कलाकृति बहुत ही बेहतरीन तरीके की कोरी गई है। इसका छत जो है वो भी अति प्रभावशाली और सुंदर है। नक्शी काम इसका बहुत अच्छा है। इस दरवाजे से हमें राजमहल की ओर बढ़ना है। जैसे हम आगे जाते हैं तो सबसे पहले हमें राजमहल सामने दिखाई देता है। ठीक उसके बगल में जो है यह मंदिर है, जहाँ पे अभी कोई भी देवता वहाँ पे उपस्थित नहीं है। इस राजमहल के सामने ये मंदिर और इस बीच में बरामदे में यहाँ पे एक चौकोन आकार का एक कुआ है। अभी भी राजमहल बहुत ही अच्छी तरीके में यहाँ पे स्थित है। राजमहल के सामने यहाँ पे रानी महल है और वहाँ से रानी महल जाने के लिए रास्ता। ये जो मंदिर आपको सामने दिखाई देता है, इसके अंदर जो कलाकृति है ये कुछ जैन परंपरा से मेल खाती है। महावीर जिनके स्टैचूज इस फोर्ट के अंदर कई जगह पे दिखाई देते हैं। बहुत ही सुंदर नक्शी काम यहाँ पे दिखाई देता है जो पत्थरों में बनाया गया है। इसकी शिल्पकला देखते ही बनती है। अगर हम राजमहल की बात करें तो 1163 में चालुक्य के सामंती प्रमुख बिजाल देव ने चालुक्य साम्राज्य के तेलप्पा तृतीय को उखाड़ फेंका और चालुक्य के पूरे परिवार को मार डाला। तेलप्पा को मारने के बाद बिजला देव ने अपने आप को यहाँ का शासक घोषित किया और यहाँ पे 5 साल तक राज किया। बिजला देव यह सोलापुर के नज़दीक जो मंगलवाड़ा जो फोर्ट है वहाँ के शासक थे और उन्होंने वहाँ से उनकी राजधानी कल्याण में मूव कर दी और यहाँ पे 5 साल उन्होंने राज किया। यहाँ पर उन्होंने अपने पुत्र के पक्ष में यहाँ पे पक्ष रखा था। उसके बाद में 1168 में उनकी हत्या कर दी। फिर यहाँ पे अलग अलग प्रकार के शासक आए, लेकिन कल्याणी चालुक्य के बाद कलचुरी ये वंश यहाँ पे राज करता था। बिजला देव एक जैन थे, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने वीरशैववाद का संरक्षण और समर्थन किया। इसके जो संस्थापक थे बसवेश्वर ये बिजला देव के समय में एक प्रमुख और शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर थे। इस राजमहल में इमरजेंसी बैठक लेने के लिए, मीटिंग लेने के लिए एक जगह है। यह वह जगह है जहाँ पे इमरजेंसी मीटिंग ली जाती है राजा द्वारा। राजमहल देखने के बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा वह होगा राज दरबार। जैसे ही हम राज दरबार से बाहर निकलते हैं तो लेफ्ट साइड में जो है हमें यहाँ पे मस्जिद दिखाई देती है, जो चालुक्य डायनेस्टी जो थी उनके बाद यह बनाया गया था। इस मस्जिद की कलाकृति बहुत ही अच्छी है और मजबूत भी है। यहाँ से हम आगे चलते हैं राज दरबार, लेकिन जाते समय लेफ्ट साइड में आपको रिकॉर्ड रूम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अभी हम आ पहुँचे हैं रिकॉर्ड रूम। यहाँ पे जो सरकारी दस्तावेज थे या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दस्तावेज थे इस रिकॉर्ड रूम में रखे जाते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी खिड़कियों के आकार के रूम्स यहाँ पर है जहाँ पे ये दस्तावेज रखे जाते हैं। और सामने से ये रास्ता आगे गिर चुका है इसलिए बंद हुआ है, लेकिन इस खिड़की से आप बाहर झांक सकते हो। यहाँ पे कल्याण का दृश्य आपको यहाँ से दिखाई देता है। यहाँ पे एक छोटा सा जू बनाया गया है जहाँ पे पंछियों को रखा जाता था।
जो पंछी यहाँ पे रखे जाते थे उनके खान पीन के लिए भी यहाँ पे जगह बनाई गई है। चलिए दोस्तों, तो हम चलते हैं अब आगे। राज दरबार में जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक है राजा के लिए और दूसरा है परिवार के लिए या अन्य लोगों के लिए जो पैलेस में हुआ करते थे, जो इस रास्ते से गुजर कर राज दरबार में दाखिल हो सकते हैं। राज दरबार दो मंजिली है, आप देख सकते हो यहाँ से जो है राज दरबार दिखाई देता है। दो मंजिला इमारत दोनों ओर है, जहाँ पे दरबार में आप पहुँचे दरबारी यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ पे कुछ अंडरग्राउंड चैम्बर्स भी है जो अब चमगादड़ का ठिकाना बन चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे चमगादड़ है। यहाँ से राजा का एंट्री होता था, जो रॉयल गार्ड्स है राजा के साथ यहाँ तक आते थे, और रॉयल गार्ड्स के लिए ये सामने का रूम है रुकने के लिए, जहाँ पे गार्ड्स यहाँ पे रुक के राजा की रक्षा करते थे। ठीक इसके बगल में ऊपर जाने के लिए एक रास्ता है। इस रास्ते से होते हुए कुछ गार्ड्स ऊपर की ओर जाके पूरे और ध्यान रखते थे, पूरे दरबार की ओर ध्यान रखते थे, लेकिन वो अब गिर चुका है। यहाँ से होता है एंट्री यहाँ के प्रशासक राजा का। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे उनका थ्रोन हुआ करता था, जहाँ पे वो राजगद्दी पे बैठ के ये दरबार चलाते थे। दरबार से जुड़े अनेक चैम्बर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं, उनमें से एक है बारूद खाना। किले के ऊपर जितने तोप थे उनके लिए जो बारूद लगता था, कुछ बारूद जो ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ से इस बारूद खाने से सप्लाई किए जाते थे। यह है बारूद खाना जो यहाँ पे उपस्थित है। और दरबार के बीच में ये जो पानी का झरना है, स्प्रिंकलर है, ये मौजूद है। बिल्डिंग को के ऊपर जाने के लिए यहाँ से एक रास्ता है। यहाँ से ऊपर जाने के बाद नज़ारा देखते ही बनता है। अभी भी ये बिल्डिंग अच्छी स्थिति में है। यहाँ से राज दरबारी यहाँ पे रुककर राज दरबार को देखा करते थे। इसकी बनावट बहुत ही बेहतरीन है। कई हिस्से यहाँ के टूट चुके हैं, लेकिन अभी भी ये अच्छा मेंटेन्ड है। यहाँ से दरबारी डायरेक्टली राज दरबार में देख सकते थे कि अपने प्रशासक को और उनके शासन को। बहुत ही सुंदर यह नज़ारा है। ये जो रास्ता है ये सामान्य लोगों के लिए अंदर आने के लिए राज दरबार का रास्ता, और एक रास्ता ऊपर की ओर जाता है जो ट्रायंगुलर शेप है, जहां से राज दरबार भी दिखाई देता है। दोस्तों, अभी हम जो है कि जो कल्याण फोर्ट है यहाँ का, ये राज दरबार है जहाँ पे यहाँ के जो बादशाह थे या जो भी किंग था यहाँ पे बैठ के यहाँ पे राज दरबार में सभा लेता था। और ये है सभागृह, ये है राज दरबार जहाँ पे इस किले का राज दरबार हुआ करता था। चलिए दोस्तों, तो फोर्टिफिकेशंस वॉल अभी भी मजबूत है। ठीक इसके सामने जो है एक तोफ लगी हुई है, उसे कहा जाता है नौ गज की तोफ। ये तोफ जो है तीन डायरेक्शन में इसका फायरिंग होता है। अभी भी ये
ठंडी है, पंच धातु से बनी हुई ये तोफ है। अभी हम आ पहुंचे हैं ये तोफ के ऊपर। नौ गज का ये तोफ है, इसे कहा जाता है नौ गज तोफ। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नौ हाथियों से लेके यहाँ तक लेके आए, मतलब किले तक लेके आए और फिर यहाँ से यहाँ तक आए। और ये तोफ ठीक जो राज दरबार है ये पीछे, इस राज दरबार के ठीक सामने है, यहाँ से तीन दिशाओं में, तीन डायरेक्शन में जो है यहाँ से बम्बार्डिंग की जाती थी इस तोफ की तरफ से। और इसकी रेंज काफ़ी दूर तक है ऐसा कहा जाता है। अगर किसी को यहाँ से पनिशमेंट देना है तो इसके ठीक सामने एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर जिसको पनिशमेंट दिया जा रहा है उसे वहाँ रखा करते थे। और इस तोफ से जो है, ये जो तोफ है, इस तोफ से इसे उसे उड़ाया जाता था। तो दोस्तों ये हमने नौ गज की जो तोफ है यहाँ पे देख चुके हैं, हमने राज दरबार देख लिया, नौ गज की तोफ देख ली, अब चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों ये जो जगह है यहाँ पे ठीक आपको दिखाई देता है, ये है हैदर हॉल। जो राज दरबार है उसको जो जो सामान्य लोग हैं, जो कॉमन पर्सन है, उसको एंट्रेंस के लिए ये जगह है। यहाँ पे जो है राज दरबार की ये एक एंट्री है, हमने दूसरा एंट्री देखा था जो उस साइड से है, जो यहाँ के टीम थे या जो प्रशासक थे यहाँ पे, उनको आने के लिए इस तरह से रहता है। तो आगे हम चलेंगे यहाँ पे, ये एक नृत्यांगन है जहाँ पे राजा महाराजा नृत्य देखते थे, एंजॉय करते थे। चलिए तो हम वहाँ पे जाए। दोस्तों अभी हम जो पहुँचे हैं यह है रंगीन महल, और ये बहुत खास जगह है। इस जगह की सबसे बेहतरीन जगह जो है ये रंगीन महल है। यहाँ पे जो भी यहाँ के शासक थे, राजा थे, अपनी रानियों के साथ इस महल में अपना समय गुजारने के लिए आते थे। तो चलिए दोस्तों उस ज़माने का जो रंगीन महल है हम देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ। रंगीन महल के भीतर आते ही हम ठीक स्टेज के सामने आ पहुंचते हैं। यहाँ पे कुछ पिलर आपको सामने दिखाई देते हैं, जैसे कि जो स्टेज होते हैं जहाँ पे ड्रामा प्ले होता है, उसी प्रकार का ये थिएटर है जो आज के ज़माने में भी हमें दिखाई देता है। यह बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रक्चराइज किया गया है। ये सामने से आपको ये स्टेज दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम पहुँचे हैं, यह है रंगीन महल। ये बहुत ही खूबसूरत महल है। इस महल की खासियत अगर देखी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस साइड में कि यहाँ पे जो नृत्यांगन होता था या जो भी ड्रामा या ये होता था यहाँ पे, तो इस साइड में यहाँ पे देखा जाए वहाँ पे पीछे जो भी आर्टिस्ट थे उन लोगों के लिए रहने के लिए, रुकने के लिए जगह है जहाँ पे वो ड्रेसअप मेकअप वगैरह कर सकते। ठीक इस साइड पे राजमहल है, आप देख सकते हो यहाँ कि ये राजमहल। यहाँ पे आने के लिए दो रास्ते हैं, ये रास्ता आता है, ये जो रास्ता है ठीक यहाँ पे, ये जो रास्ता है ये यहाँ से घूम के राजमहल से भी इस रंगीन महल में। इस रंगीन महल की खासियत अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बैठने के लिए यहाँ पे सीट, दो सीट, यह एक सीट है और ठीक इसके अपोजिट साइड में अगर आप देखेंगे ये वाला एरिया वहाँ पे, तो ये जो दो सीट थे इस सीट के ऊपर से पता चलता है कि ये कितना खूबसूरत महल होगा। और साइड में यहाँ पे बरामदा है यहाँ पे बैठने के लिए जगह, तो ये जो भी महफिल यहाँ पे होती होगी वो बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। रंगीन महल में जहाँ पे रानी का आसन है वहाँ पे ठीक एक कमरा बना हुआ है,
आप देख सकते हैं यही वो कमरा है जो रानी का आसन है ठीक उसके बगल में जो बना हुआ है। रंगीन महल देखने के बाद सामने आपको ये स्ट्रक्चर जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, रॉयल जो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है यह है। यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था इस फोर्ट के ऊपर यहाँ से चलाया जाता था। यहाँ पे एक बड़ा हॉल है और दोनों तरफ दो रूम हैं और इसकी रूफ भी अभी भी मजबूत है और ये अभी भी वेल मेंटेन है। इसे ज़रूर देखिए, अगर ये फोर्ट पे आते हो तो ज़रूर देखिए। ठीक इसी बिल्डिंग के नीचे जब हम उतरेंगे तो हम जाते हैं तालीम खाना। दोस्तों फिलहाल हम जो यहाँ पे कुश्ती का जो अखाड़ा है वहाँ पर जो भी यहाँ पे राजघराने के पुत्र या किंग्स थे यहाँ पे कुश्ती की प्रैक्टिस किया करते थे और यही वो जगह है। आप देख सकते हो यहाँ पे तरीके से ये पूरा यहाँ पे कुश्ती लड़ी जाती है और यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। तालीम खाना देखने के बाद अब देखने लायक दो चीज़ें हैं। यह है कड़क बिजली तोफ और उसी का रास्ता जाता है रानी का महल, लेकिन रानी का महल जो है अभी फ़िलहाल सबके लिए बंद करके रखा गया है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टूट फूट हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अभी हम चलते हैं कड़क बिजली तोफ की ओर। यह जो तोफ है चारों ओर घूमती है और ये चारों ओर लगातार फायरिंग करती है, इसी वजह से इसे कड़क बिजली तोफ कहा गया है। इससे ऊपर जाने के लिए आपको इस सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा और ऊपर जाने के बाद आपको पूरा नज़ारा इस कड़क बिजली तोफ का जो बुरुज जो है यहाँ से आपको देखने मिलता है। इस फोर्ट को 12वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा महत्व हासिल हुआ था क्योंकि यहाँ पे इस शताब्दी के दौरान महान सामाजिक और धार्मिक अभिमान केंद्र था। यह बसव कल्याण किला संतों से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा किले को ज्ञान का केंद्र भी कहा जाता था। यह है कड़क बिजली तोफ। दिखने में नाजुक है लेकिन इसकी जो मारक क्षमता जो थी बहुत ही बेहतरीन और लगातार इसकी जो बम्बार्डिंग करने की जो क्षमता थी उसके वजह से इसे कड़क बिजली तोफ कहा जाता है। ये 360 डिग्री घूमती है। इसकी खासियत यह है, देखिए ये 360 यहाँ से पूरी ओर घूमती है, इसके वजह से इसे बहुत ज़्यादा महत्व इस किले पे है। दोस्तों हमने यहाँ पे पूरा फोर्ट देख चुके हैं। ये जो कल्याण का फोर्ट है पूरी तरीके से हमने देखा है, बहुत ही अच्छा फोर्ट है। आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस फोर्ट को विजिट कीजिए। पूरा ही फोर्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पे सीखने लायक, देखने लायक बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे है और जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी कलाकृति यहाँ पे छोड़ी है। तो प्लीज़ इस फोर्ट को आप विजिट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए जो करके मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देख पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।